शादी के बाद आरती सिंह ने फर्स्ट पिक्चर शेयर की दीपक चौहान की बेटी के साथ। क्या आरती सिंह बनी है दीपक चौहान की सेकंड वाइफ? वेलकम टू माय चैनल। आरती सिंह और दीपक चौहान को लेकर ये बातें सामने आ रही थी कि ये दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट करें, लेकिन दीपक चौहान ने एक बार भी आरती सिंह को अपनी फर्स्ट शादी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। 25 तारीख को दीपक चौहान के साथ सात फेरे लेने के बाद आरती सिंह ने हस्बैंड एंड वाइफ होने का सपना पूरा किया। वहीं आरती सिंह को मंडप पर दीपक चौहान की फर्स्ट शादी के बारे में पता चला, जिस पर आरती सिंह काफी इमोशनल नजर आई। की जा आरती सिंह की फैमिली के बारे में तो आरती सिंह की फैमिली भी इस बात से राजी नहीं थी कि आरती सिंह दीपक चौहान की सेकंड वाइफ बने, लेकिन आरती सिंह ने हार नहीं मानी और मुसलसल 3 साल तक कृष्णा को मनाने के बाद फाइनली आरती सिंह दीपक चौहान की दुल्हनिया बन गई। दीपक चौहान को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। बताया ये जा रहा है कि दीपक चौहान जो पहले से शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है, जिसके बाद आरती सिंह काफी इमोशनल नजर आई। लेकिन आरती सिंह का कहना था कि ये दीपक चौहान की बेटी नहीं बल्कि उसकी बहन की बेटी नहीं बल्कि आरती सिंह और दीपक चौहान का सामना उस वक्त मंडप पर हुआ जहां आरती फूट फूट कर रोने लगी और वो वीडियो भी आरती सिंह की पूरी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी। यही नहीं बल्कि आरती सिंह ने जब ये पिक्चर सोशल मीडिया पे शेयर की तो उसके कैप्शन में ये भी लिखा था कि ये दीपक चौहान की बेटी नहीं बल्कि उसकी बहन की बेटी। आपका क्या कहना इस बारे में? क्या दीपक चौहान पहले से शादीशुदा या नहीं, मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।